हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू एक्स्ट्रा। और गेम में पैच अपडेट आ चुका है कल, और उसमें वॉइस ओवर ऐड किया और कैरेक्टर में एडजस्टमेंट भी आ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में बुलवक की बात करूंगा कि बुलवक में क्या चेंज आया है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर हम उस पर बात करेंगे। समझ आया? नहीं आया तो मैं इसका ब्रेकडाउन तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला आफ्टर अपडेट है, ठीक है। ये देखो, मैंने स्पेशल अटैक मारा सेम रेंज से, ऊपर वाले में डैमेज पड़ा है और दो फ्रैक्चर आए हैं, नीचे वाले में डैमेज पड़ा ही नहीं है और एक ही फ्रैक्चर आया है। और अभी पुश बैक भी बढ़ चुका है। देखो, सेम डिस्टेंस पे मैंने स्पेशल मारा तो आजुमा ज्यादा दूर गया है, वही इतु जगह पे ही। और अब देखो, अब तो रेंज बढ़ गई है ना, ऊपर वाले में ज्यादा पुश बैक मिला, मतलब वहां डिसएडवांटेज है। अब मैं इतनी रेंज से भी स्पेशल मारूंगा तो भी दोनों का एक एक ही कनेक्ट होगा, मतलब कि अच्छा रिवर्क मिला है। बुलवक अब थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया इसका स्पेशल अटैक। तो मैंने सेम अटैक बार बार किया, मतलब मैंने तीन बार मारा है, ठीक है। अभी देखो, ऊपर चार फ्रैक्चर है, नीचे तीन है। मैंने मतलब कि अपनी जॉयस्टिक को मूव ही नहीं किया, लगातार अटैक किए। अब नीचे पांच फ्रैक्चर है और ऊपर सात फ्रैक्चर है। भाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक फ्रैक्चर से ना गेम चेंज हो जाता है। अब बुलवक ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब आयनोबा स्पेशल अटैक में ही डिफरेंस आया। मगर इसका स्पेशल अटैक पहले मुझे क्या लगता था, बस वो दूर भगाने के लिए, वो अटैक करने के लिए नहीं है, वो अटैक मतलब अपोनेंट को पुश करने के लिए। अभी रिवर्क हुआ ना तो अब समझा कि भाई वो एक्चुअल में अटैक था, क्योंकि इसका थर्ड अटैक कभी कनेक्ट ही नहीं होता था, बहुत रेयर कंडीशन में ही कनेक्ट होता था इसका थर्ड अटैक स्पेशल मूव का। ये रिवर्क ना थोड़ा सा जरूरी था, मगर बुलवक अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब इसके अटैक कनेक्ट होना चाहिए, ये तो जरूरी है, मगर इसका डैमेज तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा डैमेज है इसका। एक एक अटैक से कभी कभी हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार का डैमेज पड़ता है, और फोर्ट्रेस से अगर तुम डैमेज दे रहे हो ना तो दो दो हजार का डैमेज पड़ जाता है कई बार। तो मुझे क्या लगता है, देखना अगला पैच अपडेट में ना बुलवक को नर्फ कर देंगे, मतलब एक दो पैच अपडेट में। मुझे ऐसा लगता है इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा है। भाई, इतना डैमेज होता है क्या किसी कैरेक्टर का, है क्या इस गेम में? एकदम गजब डैमेज है। पता, कभी अपोनेंट फुल हेल्थ पे रहता है, वो इमोट दिखाते रहता है, अपने को टॉन्ट दिखाते रहता है, और उतने में एक शैडो कनेक्ट हो गई, एक हैवी लग गया और एक रेंज अटैक लग गया, भाई खत्म ही हो जाता है अपोनेंट, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ। और गेम में वॉइस ओवर भी ऐड कर दिया है, ईतू का भी ऐड किया है और बुलवक का भी ऐड किया है। इसके बहुत सारे मिक्स रिएक्शन है, कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। क्योंकि वॉइस ओवर ऐसी चीज है ना जो जरूरी नहीं किसी को पसंद आए, क्योंकि जैसे तुम भी मेरी वॉइस की ऐसी तारीफ करते हो, मगर तुम मुझे रियल लाइफ में देखोगे तो शायद तुम तारीफ करना बंद कर दोगे। ऐसा होता है, क्योंकि वॉइस और फेस अलग अलग होते हैं। सेम चीज ना इनके साथ हुई है, मुझे तो वॉइस पर्सनली पसंद आई है। अब ये सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, तुम्हें हो सकता है कि ना आए, मुझे तो पसंद आई है। और भाई, जो बुलवक की आवाज़ है ना, ये मुझे जिराया की याद दिला रही है, पता नहीं क्यों। क्या तुमने भी नोटिस किया, या अब मैंने तुम्हें बता दिया ना तो अब तुम नोटिस करोगे, ठीक है। बुलवक की आवाज़ ना एकदम ड्रंक जिराया जैसी, जब वो दारू पी के ऐसा करता है ना, तब बुलवक की आवाज़ और जिराया की आवाज़ सेम हो जाती है। और जब तक मैंने बुलवक का वॉइस ओवर नहीं सुना था, मुझे लगता था बुलवक बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा होगा, एकदम फार्ज टाइप का, मगर ऐसा कुछ नहीं है यार। बुलवक की वॉइस सुन के तो लगा ही एकदम चिल बंदा है, मज़ेदार बंदा है, इसको तो मेरा दोस्त होना चाहिए, इतना मज़ेदार है। और बहुत सारे लोगों को वॉइस ओवर इसलिए भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो इस वॉइस ओवर को, ईतू और बुलवक की वॉइस ओवर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किंग ऑफ द लीजन की वॉइस ओवर। तुम ये याद रखो कि भाई, किंग ऑफ द लीजन की वॉइस इतनी अच्छी करी है ना, उसको अब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे करेक्टर की वॉइस उसको बीट कर पाएगी। भाई, वो एक तरफा ही है, और ना मैं तो ये बोलूँगा शैडो फाइट ही नहीं, वो ओवरऑल भी कहे ना, अगर सारे गेमों को कंपेयर करे तो किंग ऑफ द लीजन की आवाज़ वन ऑफ द बेस्ट आवाज़ है। उससे कंपेयर करो ही मत, क्योंकि उससे कंपेयर करोगे ना सब कुछ फीका फीका लगेगा तुम्हें।